दोस्तों जीमेल ने कॉन्फिडेंशियल मोड वाला फीचर या हम ऐसा कह सकते हैं कि सीक्रेट ईमेल वाला ऑप्शन जीमेल के एंड्रॉयड एप्लीकेशन में भी लॉन्च कर दिया है। अगर आप जीमेल यूजर हैं तो किसी और ईमेल यूजर्स को सीक्रेट ईमेल या सीक्रेट मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। अगर मुझे कोई कॉन्फिडेंशियल मैसेज रिसीव होता है तो मैं उसके कंटेंट्स को कॉपी नहीं कर सकता हूँ, जो अटैचमेंट है उसे डाउनलोड नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ व्यू कर सकता हूँ और कुछ पर्टिकुलर समय बाद वो जो ईमेल है अपने आप डिलीट हो जाएगा। जीमेल का ये फीचर बहुत ही शानदार फीचर है, तो आज हम इस वीडियो में इन फीचर्स के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। मींस अगर आप एक जीमेल यूजर हैं तो किसी और यूजर को या जीमेल यूजर को सीक्रेट ईमेल कैसे भेज सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है और उन्हें कैसे यूज करना है, कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको मिलेगा इस वीडियो में। साथ ही साथ इस फीचर में कुछ इंप्रूवमेंट भी किया जा सकता है, जो कि मेरी पर्सनल ओपिनियन है, वो भी इस वीडियो के लास्ट में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। So, इस कंप्लीट ट्यूटोरियल के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं हूं आपका होस्ट अंशुल और आप देख रहे हैं ए स्क्वायर टेक्निकल। सबसे पहले आपको जीमेल के ऑप्शन को ओपन करना है। जीमेल को ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने एक ईमेल आईडी सेलेक्ट की हुई है। ईमेल आईडी का जो सब्जेक्ट है उसे मैंने लिखा है कॉन्फिडेंशियल ईमेल। नॉर्मली मैंने कुछ कंटेंट टाइप कर दिया है जिसमें लिखा हुआ हेलो फ्रेंड्स, दिस वीडियो एक्सप्लेन्स हाउ टू यूज द कॉन्फिडेंशियल ईमेल इन जीमेल एंड्रॉइड एप्लीकेशन, और एक इमेज को भी अटैच कर दिया है। कॉन्फिडेंशियल ईमेल के ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए ये जो थ्री डॉट्स आपको नजर आ रही है यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे सेकंड ऑप्शन शो हो रहा है कॉन्फिडेंशियल मोड का, इसे सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप कॉन्फिडेंशियल मोड को सिलेक्ट करते हैं दो ऑप्शंस आपके पास फिर से नज़र आते हैं। पहला आपको एक्सपायरी डेट सिलेक्ट करना है, एक्सपायर्स इन वन डे, वन वीक, वन मंथ, थ्री मंथ्स और फाइव ईयर। फॉर एग्जाम्पल मैं एक्सपायर्स इन वन डे सिलेक्ट करता हूँ। इसका मतलब है जब सामने वाले के पास आपका ईमेल जाएगा तो एक दिन बाद वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा या एक्सपायर हो जाएगा, मीन्स उसके कंटेंट को सामने वाला पढ़ नहीं सकता है। सेकेंड ऑप्शन है रिक्वायर्ड पासकोड का। अगर आप नॉर्मल जीमेल के ही यूजर्स हैं और जीमेल के यूजर्स को कोई ईमेल आईडी भेज रहे हैं तो कोई पासकोड की ज़रूरत नहीं है, सामने वाला एंड्रॉयड एप्लीकेशन में डायरेक्ट ईमेल को ओपन कर सकता है। लेकिन जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन जीमेल यूजर्स के लिए, तो नॉन जीमेल यूजर्स के लिए एक पासवर्ड जो है जो ईमेल के थ्रू भेजा जाएगा, उस पासवर्ड को ओपन करने के बाद ही सामने वाला आपके ईमेल को ओपन कर सकता है, वरना ओपन नहीं कर सकता है। सेकंड ऑप्शन आप यहाँ पे चूज करेंगे एसएमएस पासकोड का। पहले केस में ईमेल के थ्रू पासवर्ड मिलेगा और दूसरे केस में एसएमएस के थ्रू पासवर्ड मिलेगा। मींस अगर आप अपने किसी फ्रेंड को ईमेल भेज रहे हैं तो एसएमएस के थ्रू एक पासकोड जाएगा, उस पासकोड को एंटर करने के बाद ही वो ईमेल ओपन कर सकता है, वरना ओपन नहीं कर सकता है। हम सिंपली स्टैंडर्ड का ऑप्शन चूज करते हैं और इसे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद आप यहां पे देखते हैं कि नीचे की तरफ साफ साफ लिखा हुआ है कंटेंट एक्सपायर्स 18 अगस्त 2018, मीन्स आज 17 अगस्त है और 24 घंटे बाद ऑलमोस्ट 18 अगस्त 2018 को ये जो ईमेल है वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा या एक्सपायर हो जाएगा, मीन्स इसके कंटेंट को आपका दोस्त नहीं पढ़ सकता है। इसमें और भी कुछ लिखा हुआ है, ऑप्शंस टू फॉरवर्ड, डाउनलोड और कॉपी दिस ईमेल्स कंटेंट्स एंड अटैचमेंट विल बी डिसेबल। फाइनली अब हम इसे सेंड कर देते हैं। आप सेंड को चेक कर सकते हैं कि 11:32 पे ये जो ईमेल है आपके दोस्त को सेंड हो गया है। अब मैं दूसरा ईमेल आईडी ओपन करता हूं और आपको बताता हूं कि ईमेल रिसीव होने पे कैसा नज़र आता है। ये मैंने दूसरा ईमेल आईडी ओपन कर लिया है। ईमेल आईडी ओपन करने के बाद मुझे यहां पे शो कर रहा है कि आपके पास एक कॉन्फिडेंशियल ईमेल आया हुआ है, ये तो सब्जेक्ट का नाम ही था। इस ईमेल को ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ साफ साफ लिखा हुआ है कि कंटेंट एक्सपायर्स 18 अगस्त 2018, मींस आपको पता है कि ये एक प्राइवेट एसएमएस है और एक दिन बाद डिलीट हो जाएगा। अब मैं इसके कंटेंट को कॉपी करने की कोशिश करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि मैं इसे लॉन्ग प्रेस कर रहा हूं बट मैं इसके कंटेंट को कॉपी नहीं कर सकता हूं। साथ ही साथ अगर मैं इसे इमेज को ओपन करने की कोशिश करता हूं तो आप इमेज को ओपन कर सकते हैं, इमेज का प्रीव्यू अवेलेबल है। क्या हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं? तो जी नहीं, डाउनलोड करने का कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है।
और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है प्रीव्यू ओनली, डाउनलोड नॉट अलाउड, मीन्स आप कंटेंट को कॉपी नहीं कर सकते हैं और कोई भी अटैचमेंट है उसे डाउनलोड नहीं कर सकते हैं और इस ईमेल को फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉरवर्ड करने का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं आ रहा है। तो यह है कंप्लीट इंफॉर्मेशन जीमेल के कॉन्फिडेंशियल मोड के बारे में, या तो हम इसे सीक्रेट ईमेल का ऑप्शंस भी कह सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सपोज आपने ईमेल अपने फ्रेंड को भेज दिया है, वैलिडिटी एक दिन हो, एक वीक हो या एक महीने हो, इस पे डिपेंड नहीं करती है। मैं इमीडिएटली एसएस को रिमूव करना चाहता हूँ, मीन्स ईमेल हो सकता है कि गलती से चला गया हो और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो दोस्त है वो मेरे ईमेल के कंटेंट को ना देखे। हालांकि एक्सपायरी डेट बाद में भी हो सकती है, बट मैं ये चाहता हूँ कि इमीडिएटली ईमेल का एसएस जो है वो रिमूव हो जाए। आपको जाना है सेंट आइटम्स में। सेंट आइटम में कॉन्फिडेंशियल ईमेल पे क्लिक करने के बाद आप नीचे की तरफ देखेंगे कि आपको रिमूव एसएस का ऑप्शन आ रहा है। आप इस सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंटेंट इज एक्सपायर्ड, मीन्स इमीडिएटली कंटेंट एक्सपायर हो गया। अब आपका फ्रेंड इस ईमेल को नहीं पढ़ सकता है। एक्सपायरी डेट अभी नहीं आई थी, फिर भी मैंने इमीडिएटली कंटेंट को एक्सपायर कर दिया है। तो चलिए अब हम दूसरा ईमेल ओपन करते हैं और देखते हैं कि स्टिल मैं कंटेंट को पढ़ सकता हूँ या नहीं पढ़ सकता हूँ। ये मैंने दूसरा ईमेल आईडी को ओपन कर दिया है। आप देख सकते हैं कि कॉन्फिडेंशियल ईमेल हमारे सामने है। मैं इसे ओपन करने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ईमेल हैज़ एक्सपायर्ड, द सेंडर हैज़ सेंड अ लिमिट ऑन हाउ मच टाइम यू हैव टू व्यू दिस ईमेल। इसका ये मतलब है कि एक्सपायरी डेट होने के पहले भी मैं चाहूँ तो ईमेल के कंटेंट को एक्सपायर कर सकता हूँ अपनी तरफ से। मुझे बस सेंट आइटम में जाना है और एसएस जो है उसको डिनाइड करना है। ये भी जीमेल का एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। फाइनली अब आपको पता चल गया होगा कि जीमेल के थ्रू आप सीक्रेट ईमेल्स किसी को कैसे भेज सकते हैं और कितने सारे फंक्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। जीमेल के इस शानदार फीचर्स के लिए थम्स अप। लेकिन इस कॉन्फिडेंशियल मोड के फीचर में कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कोई कॉन्फिडेंशियल मैसेज भेज रहा हूं तो आपको यह पता नहीं चलना चाहिए कि यह कॉन्फिडेंशियल मैसेज है। अदरवाइज आप किसी भी तरीके से इसके कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं या थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज करके इसके अटैचमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि आपको यह इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, यह ऑप्शन इनेबल या डिसेबल करने का ऑप्शन होना चाहिए। अगर मैं किसी यूजर को प्राइवेट ईमेल भेज रहा हूं तो यह मेरी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए कि सामने वाले को यह पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि यह एक पर्सनल मैसेज है। अगर सामने वाले को पता चल जाता है कि यह एक पर्सनल मैसेज है तो वो किसी भी तरीके से उसके कंटेंट को कॉपी कर सकता है या थर्ड एप्लीकेशन का यूज करके अटैचमेंट को डाउनलोड कर सकता है। आप इस स्क्रीनशॉट को देख सकते हैं, ये प्राइवेट मैसेज मुझे रिसीव हुआ है। इस स्क्रीनशॉट में नीचे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये ईमेल जो है एक दिन बाद डिसअपीयर हो जाएगा। हालांकि मैं इसके कंटेंट्स को कॉपी नहीं कर सकता हूँ, अटैचमेंट को डाउनलोड नहीं कर सकता हूँ और इस ईमेल को किसी को भी फॉरवर्ड नहीं कर सकता हूँ। ये सिक्योरिटी फीचर्स तो हैं, लेकिन आप स्क्रीनशॉट को तो मना कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, कंटेंट कॉपी नहीं हो रहा है लेकिन मैं स्क्रीनशॉट तो ले सकता हूँ। सिमिलरली अटैचमेंट के भी मैक्सिमम ऑप्शन को मैं स्क्रीनशॉट के थ्रू सेव कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप इस इमेज को देखिए, मैं इस इमेज को ओपन करता हूँ, अब मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो आप स्क्रीनशॉट फोल्डर भी चेक कर सकते हैं कि ईमेल के सारे कंटेंट्स जो हैं और जो फोटोज जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल है। स्क्रीनशॉट लेने से आप किसी को भी मना नहीं कर सकते हैं। इस केस के लिए गूगल कुछ भी नहीं कर सकता है। तो फाइनली इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि अगर मैं किसी को पर्सनल ईमेल भेज रहा हूँ तो ये मेरी चॉइस होनी चाहिए कि मुझे सामने वाले को बताना है कि नहीं बताना है। अगर मैं उसे बता देता हूँ तो भी ठीक ऑप्शन है, और अगर मैं चाहता हूँ कि सामने वाले को पता ना चले तो ये और भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि इस तरीके से ज़रूरी नहीं है कि हर ईमेल के कंटेंट या इमेजेस को वो स्क्रीनशॉट करके रखेगा, लेकिन अगर उसे पता चल जाता है कि ये प्राइवेट एसएमएस है और अगर उसे वो सेव करना चाहता है तो इस इंफॉर्मेशन को किसी भी फॉर्म में सेव कर सकता है, और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है स्क्रीनशॉट लेना। तो आशा करता हूँ कि जीमेल फ्यूचर में इस अपडेट को आपके लिए लॉन्च कर सकता है।
स्टिल जीमेल का कॉन्फिडेंशियल मोड वाला फीचर बहुत ही शानदार ऑप्शन है, मुझे बहुत अच्छा लगा, और अगर आपको भी अच्छा लगा है तो वीडियो में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करना, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। आशा करता हूँ आपसे फिर मुलाकात होगी एस्क्वायर टेक्निकल में। नमस्कार।